हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं जो है आप इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में से आने के चांसेस हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर जो बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुके हैं उस प्रकार से आइडिया लगा के रफली उसी तरह के न्यूमेरिकल्स जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये न्यूमेरिकल्स जो है आप लोग ज़रूर करके जाना, ठीक है। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं किए हैं एक भी, ठीक है, तो वो बच्चे ज़्यादा मत करना न्यूमेरिकल्स ही है, पर जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है न्यूमेरिकल्स की या करना चाहते हैं तो वो बच्चे जो हैं एटलीस्ट इन न्यूमेरिकल्स को करके जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन, मतलब फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन है बच्चों, उसमें से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 12, 18, 20, 22, 24, ये इतने क्वेश्चन हैं बच्चों। ये आप लोगों को जो है एक बार देख लेना है अगर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो तो, ठीक है। और क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, मैंने कोई टफ क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया, मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं क्योंकि मेरा ऐसा था कि इनका इंक्लिनेशन जो है बोर्ड्स में आने के चांसेस जो इनके ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने ईजी क्वेश्चन लिए हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू जो है उसमें आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, इतने क्वेश्चंस करने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू में से। थर्ड चैप्टर जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से न्यूमेरिकल्स आता ही आता है 100%, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बताना चाहूँगा। तो जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप लोग कौन से करोगे, तो एग्जाम्पल्स हैं 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10, ये चार एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें से आप लोग करोगे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, ठीक है। फिर आता है फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो है आप लोग क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 9, 13, 22, 27, 28, ठीक है। इन सबका स्क्रीनशॉट लेके एकदम आप लोग जो है अपने पास रेडी रख लेना। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर फिफ्थ चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर में से जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी बच्चों देखो पेपर टफ रखना होता तो क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो हर एक में से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यह है 1, 2, 7, 8, 10 और 11। फिर है EMI, और EMI में आप लोगों को है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और यहाँ पे 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा EMI। और EMI में देखो बच्चों मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई, पर EMI जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुम समझ लो कि तुम्हारे को जो है हर एक क्वेश्चन जो है वो करना है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सारे क्वेश्चंस करते हो अच्छा है, मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैं EMI सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है, पर कोई नहीं। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो AC चैप्टर है, और AC चैप्टर में से बच्चों आप लोगों को जो पहले एग्जांपल्स बता देता हूँ कि एग्जांपल्स करने हैं 7.6 और 7.8, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 9, 11, 13 और 15 में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना, और 18, ये इतने क्वेश्चन आप लोगों को बुक वन में से करने हैं। अब मैं आप लोगों को बुक टू का बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो बुक टू है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, उसमें सबसे पहले रे ऑप्टिक्स है। और बच्चों में आप लोगों को बता देता हूँ रे ऑप्टिक्स में से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई क्वेश्चन टफ रखना होता है तो भी रे ऑप्टिक्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स जो है उसमें जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ वो है, और ये क्वेश्चन तो आप लोग करने ही करने हैं चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 13, 20 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 20 और 19 भाई बहन है दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
और फिर जो है आप करोगे क्वेश्चन नंबर 22। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें ए पोर्शन और ई पोर्शन ढंग से कर लेना, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ठीक है। तो 5, 7, 8, 10, 11 ये सब चीज़ें करनी है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया रे ऑप्टिक्स, इतना तो करने बच्चों। फिर हम लोग आगे जाते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों को एग्जाम्पल 10.8 करना ही करना है, ठीक है। उसके साथ अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, दिस इज 2, 4, 5, 7 एंड 8, ठीक है। इतना करोगे आप लोग। वेव ऑप्टिक्स के बाद आता है डुअल नेचर। डुअल नेचर 4 मार्क का चैप्टर है, वैसे तो थ्योरी आती है, पर फिर भी क्वेश्चंस जो हैं जो आप लोग करोगे न्यूमेरिकल वो है 2, 3, 6, 8, 9। अब देखो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर 10 और 11 में से कोई एक कर लेना, 12 और 13 में से कोई एक कर लेना, ठीक है, और 16 और 18 इतने क्वेश्चन आप लोगों को ड्यूअल नेचर में से करने हैं, ठीक है। फिर आता है एटम्स। एटम्स में से जो आप लोगों को ज़्यादा नहीं दूंगा, 2, 5, 6, 8, 9, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो न्यूक्लियस में से आप लोगों को क्या करना है, तो पहले बता देता हूँ, अगर पेपर टफ बनाना हुआ तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में से कोई आ सकता है, और अगर क्वेश्चन नॉर्मल बनाना हो पेपर तो स्टार्ट करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 और 21, ठीक है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो है इजी चैप्टर है बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोग जल्दी से कर लेना। 8, 9, 10, 11, फिर 15, 16, 17, 18, 19, इनके भी चांसेस है बच्चों, इनको तुम जो है एडिशनल एक्सरसाइज समझ के छोड़ मत देना। और लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप लोग जो है लिख के ले लो, ये क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आएगा, 5, 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने क्या इतना सारा लिख दिया, पर ये कर लेना बच्चों। जब आप लोगों को बोर्ड में 15 मार्क के क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन में से आएंगे ना, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए उसमें से, तो आप लोगों को खुशी कुछ और ही मिलने वाली है, समझ में आ रहा है, और उससे डबल खुशी मुझे मिलेगी। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करने ही करने हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के जो है 65, 60+ मार्क्स आए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स कर लेना बच्चों, आप लोगों के लिए सब अच्छा हो जाएगा। और जो है न्यूमेरिकल्स हो जाए ये सारे, तो एक मैसेज डाल देना मुझे कि टारगेट कंप्लीटेड या अचीव्ड, ओके। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो फुल ऑन।